जय श्री राधे ये जो श्री विग्रह खंडित हुए हैं ये अचानक से हुए या सेवा आदि में लापरवाही के कारण गिर गए हाथ से या क्या हुआ खैर कुछ भी हुआ हो ऐसा लगता है कि आपकी माता जी थी कौन थी आ, ये माता जी ने लाया था माता जी चली गई शायद बच्चों में निष्ठा ना हो श्रद्धा ना हो पर वो नहीं रहना चाहते हो, तो खंडित विग्रह को सेवा में रखने का आदेश नहीं है आप इस खंडित विग्रह को पवित्र किसी नदी में यमुना जी में गंगा जी में सरयू जी में या और जो आपके आसपास कोई नदी हो वहाँ श्रद्धा सहित प्रवाहित कर दें और एक और विग्रह वृंदावन से या कहीं से भी लेके उनको विधिवत वहाँ यदि चाहें तो घर में श्रद्धा हो प्रभु की मर्यादा का शिष्टाचार का पालन होता हो प्याज न बनता हो शुद्धि अशुद्धि का ध्यान हो महिलाओं के मासिक धर्म का परहेज होता हो रसोई में जूते चप्पल पहन के नहीं जाते हों एक दूसरे का जूठा नहीं खाते हों सभी लोगों की ये भावना हो कि जो भी घर में बनेगा ठाकुर जी के हिसाब से शुद्ध बनेगा और ठाकुर जी की भोग लगेगा तब हम खाएंगे मांस वद्रा का सेवन ना होता हो इन सब का पालन कर पाए तो दोबारा से ठाकुर को ले आए विराजमान करें अन्यथा वो विग्रह तो आपको जल में प्रवाहित करने ही हैं और श्रद्धा हो तो नए विग्रह ले आएं और अभी श्रद्धा परिपक्व ना हो तो चित्रपट आदि जो भी दूसरे विग्रह हों उनकी सेवा करते रहें धीरे धीरे श्रद्धा दृढ़ हो तब कभी ले आए रोने की तो कोई इस बात नहीं है आप स्वाभाविक है कि और डरने की भी कोई बात नहीं है एक बात मैं आपको और बता दूं कि भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है कि ठाकुर जी का हाथ टूट गया तो तुम्हारे परिवार में भी किसी बच्चे का हाथ टूट जाएगा या तुम्हारा हाथ टूट जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना ये किसी अनिष्ट का संकेत है क्योंकि जो कर्मकांड है वो यदि गलत हो जाए तो तो अनिष्ट का संकेत होता है राजसिक और तामसिक जो पूजा होती है तामसिक देवताओं की पूजा होती है राजसिक देवताओं की जैसे इंद्र की पूजा हो रही थी तो थे भगवान ने बंद करा दी तो लड़ने झगड़ने और वर्षा करने आ गए ऐसी तामसिक भैरव काली दुर्गा आदि की पूजा आप करते रहो बलि देते रहो तो ठीक है नहीं तो वो अपने आपके लड़के को मार के बलि ले लेती है लेकिन अपनी भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण की पूजा में अपने भजन मार्ग की पूजा में भगवान किसी को दंड नहीं देते हैं उनकी इच्छा नहीं है तो यमुना में प्रवाहित हो जाएंगे उनका हाथ टूट गया तो ये मत समझिए कि आपका हाथ टूटेगा या आपके घर में कुछ अनिष्ट होगा कभी नहीं होगा कदापि नहीं होगा कोई भय लेने की जरूरत नहीं है परिस्थिति को देख के निर्णय ले लीजिए मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार सारे विकल्प आपको बता दिए हैं जय श्री राधे जय निताई